हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि 15 मिनट में घर पे बैठे बैठे आप अपनी स्किन को कैसे निखार सकते हैं और अपनी स्किन को एक यंगर और फ्रेशर लुक कैसे दे सकते हैं। उसके लिए आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है पार्लर जाने की, उसके लिए आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की। हम यूज़ करते हैं बेसिकली मार्केट बेस्ड एक्सफोलिएटर या स्क्रब। स्क्रब का क्या काम होता है? स्क्रब आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। एक्सफोलिएट करने का मतलब ये होता है कि वो आपके स्किन में जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, आपके कॉलेजन लेवल को बूस्ट करता है। जब आप अपने स्किन को एक अच्छा मसाज देते हैं तो उसके लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप मार्केट बेस्ड ब्रांडेड स्क्रब्स या एक्सफोलिएटर्स परचेज करें। राइट नाउ मेरे हाथ में जो है ये है आर्टिस्ट्री का पॉलिशिंग स्क्रब। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, ये कॉस्टली भी आता है, इट इज़ अराउंड 1500 और 1600 रुपीज़। आपको मैं बताऊंगी कि घर में मौजूद इंग्रेडिएंट से आप अपने लिए एक ज़बरदस्त स्क्रब कैसे बना सकती हैं और एक ज़बरदस्त ग्लो अपने स्किन पर कैसे ला सकती हैं। तो आपको इसको यूज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको परचेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू कैन डिच दिस प्रोडक्ट एंड यू डोंट नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन दिस प्रोडक्ट। आपको बस सिंपली घर में मौजूद जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके इस्तेमाल से आप बना सकते हैं। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको चाहिए होंगे ओट्स, यानी कि ऐसे ओट्स, ये मैं अभी मेरे पास जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये है इको वैली के हर्टी ओट्स। हम स्क्रब कैसे बनाएंगे घर के इंग्रेडिएंट्स का ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको चाहिए होगी कॉफ़ी, आपको चाहिए होगा शहद नहीं तो आप जो है ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। आपको चाहिए होगा लेमन डीसीडेड और एक टोमेटो। लेमन की जगह आप जो है विटामिन सी की टैबलेट भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर आप यूज़ कर सकती हैं ऑरेंज पील पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकती हैं फॉर विटामिन सी। सो आई विल बी यूजिंग लेमन एंड टोमेटो। आपको टोमेटो को क्या करना होगा, इस्तेमाल करने से पहले आपको इसको थॉरली ब्लेंडर में पीस लेना होगा एंड मेक अ प्यूरी। सो मैंने प्यूरी बना ली है एक टोमेटो की, मैंने ब्लेंडर में सिंपली डाल के हल्का सा पानी डाल के प्यूरी बना ली है। ज़रूरी नहीं है कि आप पानी डाल के ही अपनी प्यूरी बनाएं, आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकती हैं क्योंकि गुलाब जल तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये तो खूबसूरती का एक टॉनिक है जो एवरी गर्ल फॉलोइंग ब्यूटी रूटीन इस्तेमाल करती है। गुलाब जल आप इस्तेमाल कर सकती हैं, गुलाब जल नहीं है तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ मेक सम टोमेटो प्यूरी। और मैं आपको दिखा दूं कि जो मेरे ओट्स हैं वो इस तरीके के साबुत ओट्स हैं। सो ऑल तो इसका हमें एक्सफोलिएटर बनाना है, स्क्रब बनाना है। तो स्क्रब बनाने के लिए आपको जो है ओट्स को जो है एक ड्राई ब्लेंडर में इस तरीके से पाउडर फॉर्म में कर लेना है। सो आई हैव मेड अ पाउडर और इस स्क्रब जो मैं आपको बता रही हूँ, इस स्क्रब को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने चेहरे पे, अपने आर्म्स पर, अपने आर्मपिट्स पर, ऑन योर नीज, ऑन योर एल्बोज, ऑन योर हैंड्स, ऑन योर फीट। आप आराम से पूरी बॉडी को स्क्रब कर सकते हैं, ऑन योर बूटी ऑल्सो। सो नेक्स्ट व्हाट यू विल हैव टू डू, आपने पाउडर कर लिया है अपने ओट्स को। सो आई हैव टेकन टू लार्ज स्पूंस ऑफ ओट्स एंड आई हैव पाउडर देम, मैंने उनको पाउडर कर लिया है। नाउ आई विल बी एडिंग सम हनी इन इट, तो हम थोड़ा सा हनी का इस्तेमाल करेंगे। हनी हम डालेंगे अपने इसमें। नेक्स्ट हमने हनी डाल लिया है, नाउ आई विल बी एडिंग सम पाउडर कॉफी। पाउडर कॉफी ले लीजिए एक चम्मच। आप चाहें तो इसको पानी में इसका पेस्ट बना सकती हैं या फिर ऐसे ही पाउडर फॉर्म में आप इसको ऐड कर लीजिए अपने इसमें। आपने ऐड कर लिया। नाउ वी विल बी स्क्वीजिंग सम लेमन इनटू आवर एक्सफोलिएटर। आपने लेमन डाल दिया, हाफ लेमन इसमें डाल दीजिए, ये क्योंकि विटामिन सी है एंड विटामिन सी गिव्स अ बूस्ट टू योर। आप एक टोमेटो का प्यूरी पूरा डालिए या फिर हाफ टोमेटो का, जितना आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग डालिए एंड हमारा स्क्रब जो है तैयार है बिल्कुल। सो वी हैव मेड अवर एक्सफोलिएटर जस्ट लाइक दैट। दिस इसको थॉरली मिक्स कर लें। अब जब आप इसका मिक्स कर लें, इसको देख लीजिए ज़्यादा लिक्विडी ना हुआ हो। अगर थोड़ा ज़्यादा लिक्विडी हो रहा है आपका स्क्रब तो आप थोड़ा सा पाउडर्ड ओट्स और इसमें ऐड कर सकती हैं।
थोड़ा सा पाउडर्ड ओट्स हम इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा कुछ ज़्यादा ही ये स्क्रब जो है पतला हो गया है। सो मेरा थोड़ा सा थिन हो गया था पेस्ट, सो टू मेक इट समवॉट थिकर आई हैव एडेड सम मोर पाउडर्ड ओट्स। आप देखिए अब इसकी कंसिस्टेंसी एक अच्छी स्मूथ सी आ गई है। अब आप इसको क्या करेंगी, आप जो है अपने हाथ पे इस तरीके से लेंगी और अच्छी तरीके से मसाज करेंगी अपने चेहरे का, अपने हाथ की स्किन का, अपनी एल्बोज का, अपनी नीज का, एंड देन यू आर गुड टू गो। सो ये एकदम इजी तरीका है घर पर एक्सफोलिएटर बनाने का। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मार्केट बेस्ड स्क्रब्स और ये सब इस्तेमाल करने का। सो आप देख सकती हैं मैंने जो है अपने हाथों पे इसको अच्छी तरीके से मसाज कर लिया है, और इसके बाद हम जो है अपने हाथों को पानी से रिंस कर लेंगे। और पानी से इसी तरह आप अपने चेहरे पे भी लगाइए, बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है, ज़बरदस्त ये काम करता है, आपकी स्किन को देता है सिर्फ 15 मिनट में फेशियल जैसा ग्लो। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको हज़ारों रुपए खर्च करने की। एंड गर्ल्स लेट मी टेल यू वन थिंग, आप जब ये कर लेंगी तो उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अगर आपके पास कोई जेल क्लींजर है तो आप उससे अपने फेस को अच्छी तरीके से क्लींस करेंगी आफ्टर रिंसिंग ऑफ दिस स्क्रब फ्रॉम योर फेस। आप इससे अपने फेस को क्लींस कीजिए। अगर आप ये नहीं है आपके पास तो इट इज़ टोटली ऑप्शनल, आप अपने चेहरे को प्लेन वाटर से साफ करके एक अच्छा मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल कर सकती हैं एंड यू आर गुड टू गो। टोमेटो हमने क्यों डाला है और लेमन क्यों डाला है, क्योंकि टोमेटो और लेमन देते हैं हमारी स्किन को एक ब्राइटनिंग इफेक्ट, जो कि हमारी स्किन को देते हैं एक ग्लो और हमारी स्किन को एक फ्रेशर और एक यंगर लुक देते हैं। तो आप ज़रूर जब अपना ये स्क्रब बनाइएगा तो उसमें लेमन और टोमेटो ज़रूर डालिएगा, उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। सो आफ्टर स्क्रबिंग माय फेस विद द एक्सफोलिएटर, आप हफ्ते में दो बार इस एक्सफोलिएटर का इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि हमें अपनी स्किन हफ्ते में सिर्फ 2 times एक्सफोलिएट करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं एक्सफोलिएट करनी चाहिए, क्योंकि इससे स्किन ख़राब हो जाती है। और फिर उसके बाद आप अपने क्लींजर से अपने फेस को जो है क्लींस कीजिए, एंड देन थोड़ा सा अपना मॉइस्चराइजर जो आप नॉर्मल इस्तेमाल करती हैं वो यूज़ कीजिए। और ये जो एक्सफोलिएटर मैंने बताया है, ऑयली एज वेल एज नॉर्मल स्किन लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं इसका। सो इट्स अ वेरी इजी DIY एक्सफोलिएटर टेक्निक दैट आई टोल्ड यू गाइज, ये मैंने अपनी दादी से सीखी थी। सो आई एम शेयरिंग इट विद यू, माई मदर हैज़ बीन यूजिंग दिस एक्सफोलिएटर एंड स्क्रब सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो गाइज डू ट्राई दिस एक्सफोलिएटिंग रेमेडी दैट आई टोल्ड यू एंड कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, हाउ डू यू फाइंड योर स्किन आफ्टर यूजिंग दिस एक्सफोलिएटर। एंड subscribe to my channel and like this video, share this video among your friends, and thank you for watching.